प्रिय बच्चों, कल हमने ओमाइसिट्स और जाइगोमाइकोटिना का ब्रीफ डिस्कशन किया था। आज हम एस्कोमाइकोटिना ग्रुप के आने वाले क्वकों के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक एस्कोमाइकोटिना क्वक के अंदर जो मुख्यतः फंगस रखे जाते हैं, उनके करैक्टर्स में हमने देखा कि एस्कोमाइकोटिना में उन क्वकों को रखा गया जिनमें एक तो मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं थे, नंबर वन। नंबर टू, जो एस्कस एक सैकलाइक स्ट्रक्चर है उसमें एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो रहा था, और एस्कोस्पोर्स का जो नंबर था वो 2^n, या यूँ कहिए कि 8, 16, 32, 64, 128 के क्रम में एस्कस के अंदर बन रहे थे। और ये जो एस्कस है वो विभिन्न प्रकार की फलनकाय में बनते हैं जिनको कि एस्कोकार्प कहते हैं। इसी तरह से जो ये बनने वाली जो एस्कस है वो एस्कस के जो झिल्ली है वो दोहरे झिल्ली से ढके रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको यूनिट्यूनिकेट और बाई ट्यूनिकेट, ट्यूनिका का मतलब होता है झिल्ली, एस्कस कहते हैं। तो यूनिट्यूनिकेट जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि उस पर मेम्ब्रेन्स या लेयर्स तो डबल हैं, तो दोनों ही लेकिन इक्वली इलास्टिक होने के कारण जब उसका एक्सपेंशन होता है तो वो यूनिफॉर्म रूप से एक्सपेंड करती हैं और माइक्रोस्कोप में एक ही झिल्ली के रूप में वो दिखाई देती हैं। लेकिन जब बाइट्यूनिकेट हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो दोनों झिल्लियाँ हैं उन दोनों झिल्लियों की इलास्टिसिटी में अंतर है। नतीजा ये होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है या न्यूक्लियस डिवीजन होता है जिसके कारण जो मदर सेल है वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, उसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और नए स्पोर्स बनते हैं, तो जो एस्कस है उसका एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन में बाहरी झिल्ली में क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं होती है, थोड़ी रिजिडिटी होती है तो टूट जाती है, और अंदर वाली फुल पूर्ण कम्प्लीटली इलास्टिक होती है तो वो आगे बढ़ जाती है। इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो जो बाहरी झिल्ली है उसके फ्रिंजेस माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम, इस तरह का जो होती हैं उनको हम बाइट्यूनिकेट एस्कस कहते हैं, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन का आधार है। इसके अलावा ये जो एस्कस हैं वो नग्न भी बन सकती हैं और विशेष प्रकार की फल संरचनाएँ या फ्रूटिंग बॉडी होती हैं उनमें बनती हैं, उनको हम फलनकाय कहते हैं। वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पेरिथीसिया, एपोथीसिया, क्लिस्टोथीसिया, स्ट्रोमा आदि। तो जो क्लिस्टोथीसिया एक तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मैसिलर मास हैं, बंद होते हैं, गोलाकार होते हैं। पेरिथीसिया हैं वो पिचर शेप होते हैं लेकिन उनमें स्लिट ओपनिंग देखने को मिलती है। इनके ऊपर जो अपेंडेजेज होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं। एपोथीसिया का मतलब हुआ कि खुली एस्कोकार्प्स होते हैं जिसमें कप शेप होते हैं और उसमें लेयर में हाइमेनियम पे एस्कस लगे रहते हैं। तो ये कुछ फ्लोटिंग बॉडीज हैं। तो ये सब चीज़ें आधार हैं जिसके बेसिस पे, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे एस्को माइकोटिना को अरेंज किया गया है। तो एस्को माइकोटिना जो क्वक है उसको वापस 6 क्लासेस में बांटा गया, और उसका जो आधार था वो आधार ये था कि पहला ग्रुप जो है वो एस्को कार्प एंड एस्को जीनस हाइफी एब्सेंट थैलस माइसिलियल और यूस्टलाइक। जो पहली ग्रुप ऑफ फंगस है उसके लिए कहते हैं कि एस्कोकार्प एंड एस्कोजीनस हाइफी। एस्कोजीनस हाइफी माइसिलियम का वो हिस्सा है जो कि आगे चलकर एस्कस मदर सेल बनाता है, और एस्कस जो मदर सेल होता है उससे पेनल्टीमेट सेल बनती है, और जो पेनल्टीमेट सेल होती है वो आगे चल के एस्कस में कन्वर्ट होती है। ये एक सामान्य नियम है। तो जो फर्स्ट क्लास है हेमिएस्कोमाइसिट्स, इसमें ये एक तो एस्कस फलनकाय या एस्कोकार्प जिसको कहते हैं उसका अभाव पाया जाता है, और दूसरा ये है कि उसके अंदर एस्कोजेनस हाइफी नहीं बनती है, बल्कि जो इनका थैलस है वो माइसिलियल या यीस्ट लाइक हो सकता है। इस तरह के जो भी ग्रुप ऑफ फंगस है उनको हम हेमिएस्कोमाइसिट्स
में रखते हैं और इस ऑर्डर में टेफ्रिनेल्स ऑर्डर आता है। टेफ्रिनेल्स को अगर हम देखें तो इसमें दो केंद्र की ये कोशिकाएं पाई जाती है और ये एपिडर्मिस के नीचे सब एपिडर्मल लेयर के रूप में एस्कोजेनस सेल्स इसकी अरेंज रहती हैं और लाइन में ये जो है कोशिकाएं एस्कस बनाती हैं। इसमें एक ही फैमिली टेफ्रिनेसी है और जेनरा टेफ्रिना काम में लेते हैं। टेफ्रिना डिफॉर्मेंस एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि पीच या आड़ू में लीफ कर्ल डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से टेफ्रिना मैकुलेंस दूसरी स्पीसीज है जिसके द्वारा हल्दी के अंदर टर्मरिक में लीफ स्पॉट डिजीज पैदा होती है। दूसरी जो ग्रुप ऑफ एस्कस है उसको अगर हम देखें तो कहते हैं एस्कोकार्प एंड एस्कोजेनस आईपी प्रेजेंट पहले की तरह ही। पहले जहां एस्कोकार्प और एस्कोजेनस हाइपी नहीं पाए जा रहे थे हेमियास्कोमाइसिट्स में, इसके विपरीत इसमें एस्कोकार्प और एस्कोजेनस हाइपी पाए जाते हैं। और जहां वहां थेलस माइसिलॉइड और या ईस्ट लाइक था उसकी जगह यहां पर केवल माइसिलॉइड ही मिलता है। और एस्काई एसआई जो है उनकी संरचना बाइटूनिकेट होती है जैसा कि डिस्कस कर चुका हूं मैं। और एस्कोकार एक एस्कोस्ट्रोमा होता है। एस्कोस्ट्रोमा का मतलब हुआ कि एक गुहा लाइक संरचना, उस गुहा लाइक संरचना के अंदर जो है एस्कस लगे रहते हैं। तो क्योंकि जो एस्कोकास काय है या एस्कस फ्रूटिंग बॉडी है वो एक एस्कोस्ट्रोमा है, मीन्स गुहा टाइप है, और गुहा को अंग्रेजी में लोक्यूल कहते हैं, इसलिए इस ग्रुप ऑफ फंगस को हमने कहा लोक्यूलो एस्कोमाइसिट्स। देन दूसरा ग्रुप ऑफ फंगस आता है वो कहता है कि ऐसा ही टिपिकली यूनिट यूनिकेट। ऊपर वाली दोनों हेमी एस्कोमाइसिट्स और लोक्यूलो एस्कोमाइसिट्स दोनों ही जो थी वो बाइट्यूनिकेट थी, ऐसा ही यूनिट यूनिकेट थी। अब जो है ऐसा ही टिपिकली यूनिट यूनिकेट इफ बाइट्यूनिकेट एस्कोकार्प एंड एफोसिशन। ये कहता है कि जो एस्कस जो ग्रुप है अब जो बची हुई हैं वो यूनिट यूनिकेट ही होंगी, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। इन केस अगर बाइट्यूनिकेट होगी तो उसमें जो आपका एस्कोकार्प है वो फिक्स है कि वो एपोथीशियम टाइप का ही होगा। तो जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया कि एस्कोकार्प एक क्लेस्ट्रोथीशियम एंड एसआई इवानासेंट एंड स्केटर्ड। अब इसकी बजाय क्या है कि ऐसा ही जो है वो आपकी क्लिस्टोसिशियम बॉडी है और उसमें ऐसा ही है इवानासेंट है, मीन्स तुरंत फट के अलग होने वाली है, उसमें एस्कोस्पोर रिलीज होने वाले हैं। ऑन स्केटर्ड, स्केटर्ड का मतलब है एस्कोकार्प में ये बिखरी व्यवस्था पाई जाती है। तो जो ग्रुप ऑफ फंगस है, वर्ग क्लास है, उसको हमने रखा प्लेक्टोमाइसिट्स। दूसरा ग्रुप इसमें रहा ऐसा ही रेगुलरली अरेंज एज ए बेसल और पेरिफेरल लेयर इन द एस्कोकार्प। अगर बिखरे हुए होने की जगह एस्कोकार्प एक लेयर में एक हाइमिनियम के रूप में अगर अरेंज रहते हैं और उस पर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कस बनते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ फंगस को हम अगर वो इंसेक्ट पैरासाइट है तो लैबिलोबेनियोमाइसिट्स कहते हैं। और अगर इंसेक्ट पैरासाइट नहीं है और एस्कोकार पेरिथीशियम है तो उसे पायरेनोमाइसिट्स कहते हैं। और अगर एस्कोकार जो है एपोथीशियल है तो उसे हम डिस्कोमाइसिट्स कहते हैं। प्लेक्टोमाइसिट्स
को अगर हम डिस्कस करें तो ये ऐसा ही इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। एस्कोकार्पलिस्टिसिज्म होता है, इसका जो अगर ऑर्डर की बात करें तो इसके अंतर्गत यूरोशियल्स ऑर्डर आता है। एस्कोकार्प जिसमें स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, और नॉन ऑस्टुलेटेड मतलब उसके अंदर जो क्लिस्टोथीसिया है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें एक जो है उसमें क्लीवेज टाइप ओपनिंग होती है, दूसरी होती है जो इनर ओपेक होता है, एक होता है जिसमें स्लिट ओपनिंग होती है, एक ऑपरकुलेट होता है। तो इसमें जो है नॉन ऑस्टुलेटेड होता है। पैराफाइसिस एक तरह के तंतुनुमा रचनाएं होती हैं जो कि सेक्सुअली न्यूट्रल होती हैं। ऐसे ही जो है उनके नीचे कोई आधार नहीं पाया जाता, वो सीधे हाइमेनियम में जुड़ी रहती है। और एस्कोस्पोर्स यूनिट्यूनिकेट होते हैं, वेरियसली ऑर्नामेंटल और पूरी तरह से सजे हुए नज़र आते हैं। अगर ये गुण हैं तो वो यूरोशियल्स ऑर्डर होगा, और उसमें एक फैमिली आती है यूरोशियसी। तो यूरोशियसी में यूरोशियम, सर्टोरिया, एमिरेला, टेलरोमाइसिस एंड यू पेनिसिलियम नामक क्वक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पायरेनोमाइसिस। पायरेनोमाइसिस को हम देखें तो इसमें जो ऐसा ही होती हैं वो रेगुलरली अरेंज होती है एस्कोकार्प के अंदर, जो कि एक पेरिथीसियम टाइप की संरचना होती है। जबकि डिस्कोमाइसिस में ऐसा ही रेगुलर होती है विद इन द एस्कोकार्प, लेकिन जो एस्कोकार्प का प्रकार है वो पेरिथीसिया नहीं होके एपोथीसिया होता है, मतलब वो खुला हुआ जो है क्लास है। देन कम्स लोक्युलो एस्केमाइसिस। जैसे पता था कि एस्कोस्ट्रोमा बनता है, इसको आप दो ऑर्डर उसमें बांट सकते हैं, माइरेंजियल्स एंड प्लियोस्पोरेलिस। माइरेंजियलिस एंड प्लियोस्पोरेलिस। तो माइरेंजियल्स को अगर हम करेक्टर्स देखें तो ऐसा ही सिंगली एंड इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेरेनकाइमाटस और स्यूडो पेरेनकाइमाटस एस्कोस्ट्रोमा और जर्मिनेट थेलस। प्लियोस्पोरेलिस में ऐसा ही ग्रुप्ड इन लोक्यूल इन स्यूडो थीसिया एंड स्यूडो थीसिया आर पेरिथीसोइड। इनको वापस दो फैमिली में बांटा जा सकता है, प्लियोस्पोरेलिस को वेंचुरियसी एंड प्लियोस्पोरेसी। तो वेंचुरियसी में सीडोथीसिया स्मॉल, एस्कोस्पोर्स वन सेपरेट। वेंचुरिया की खासियत होती है कि इसके अंदर सीडोसेप्टा पाए जाते हैं, सीडोथीसिया होता है, तथा जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एक कोशिकीय ही बनते हैं, जबकि प्लियोस्पोरेलिस के अंदर सीडोथीसिया मिडल साइज के और बड़े साइज के होते हैं, एस्कोस्पोर एसेप्टेट होते हैं, और वन सेप्टेट और मैनी सेप्टेट। एस्कोस्पोर एसेप्टेट हो सकते हैं, एक सेप्टा युक्त हो सकते हैं, या मैनी सेप्टा तक युक्त हो सकते हैं। ये इसके करेक्टरिस्टिक हैं। इसमें कॉक्लियोबॉलस जो है एक फंगस होता है, जिसमें सीडोथीसिया ऑफन कवर्ड विद द कॉग्निटिव फोर्स से ढके रहते हैं, कॉन्विपोर से। इसी तरह से कॉक्लियोबोलस मियाबेनस भी कॉनिडियल स्टेज है, ड्रेसलर ऑफ मेज, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, इसी के कारण होते हैं। आज हम एस्कोमाइकोटिना का ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।